हाय एवरीवन, आज मैं फिर से आपको ये रेसिपी बता रही हूँ जो मैंने आपको पिछले हफ्ते वो बताई थी, कबाब की रेसिपी, फ़िश कबाब की रेसिपी। तो उसके साथ मैंने आपको कोफ्ते भी बताए थे कि वो मैंने उसको बॉईल करके रख लिया था, उसको प्रिजर्व कर दिया था मैंने। तो अब उसी की रेसिपी मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। अब ये देखिए, जो मैंने कोफ्ते रख दिए थे फ्रीज करके, उनको मैंने निकाल लिया, थोड़े से ऑयल में उसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। ये कोफ्ते रेडी हैं हमारे, सही है। इसकी मैं अब जो फ़िश करी बना रही हूँ उसकी आप वो देखें, मैं जो मसाला सारा तैयार कर रही हूँ करी का। अब ये देखें, जो हम इसमें मसाले शामिल कर रहे हैं, मतलब जो हम लोग फ़िश करी बना रहे हैं उसमें, ये देखें, ये थोड़ा सा ये गर्म मसाला तेज़पात है, ये मैंने इसके अंदर ये ज़ीरा डाल दिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, फिर चार पाँच ये लौंगी हैं, ये दालचीनी है, सही है, ये हम इसमें डाल रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ जो है इसकी, ये है मेथी दाना, सही है ना, जो फिश में लाजमी डलता है, मतलब फिश उसमें मज़ा ही नहीं आता उसको करने का। बाकी ये मसाले हम बाद में डालेंगे। जब ये थोड़ा सा मसाला जो हमने इसमें डाला है, ये है ना ड्राई जो हमने इसमें मसाला डाला, जब वो थोड़ा सा पक जाए, कड़कड़ाहट उसमें आ जाए, तो हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज पीस ली है, क्योंकि 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने पीस ली है, वो हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून ये डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इस मसाले को हमने पहले प्याज को और अदरक को अच्छी तरह पकाना है। ये देखें, ये तकरीबन जो है, ये देखिए हमारे ये प्याज और अदरक लहसुन वगैरह जो हमने पका लिया, ये बिल्कुल भुन गया, सही है। लेकिन ये जगह जब छोड़े ना तो समझ जाएंगे मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें ये हम क्या चीज़ें डाल रहे हैं, इसमें मैंने नमक लिया हुआ है, लाल किसी मिर्चें हैं, हल्दी है, और ये गरम मसाला है, ये हम इसमें सब डाल देंगे। अच्छा, मैं इसमें एक बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जैसे हम लोग ये फ़िश करी बनाते हैं, तो जब मेरी वो थी, जो मेरी नानी थी, वो अक्सर क्या करती थी, फ़िश कोफ्ते बनाती थी, उसमें 2-4 अंडे बॉयल करके डाल देती थी, या फिर तो 1 आलू डाल देती थी, 2 आलू काट के। तो इसलिए तो कोई अगर कोफ्ते पसंद नहीं कर रहा है तो लाओ करी तो तैयार है, उसके साथ आलू निकाल दिया या वो अंडा, तो मैं भी आज इसके अंदर थोड़े से आलू डालूँगी, वो थोड़ा खूबसूरत भी लगता है, अच्छे भी लगता है, और अगर बच्चे खाना चाहें तो वो अक्सर खा लेते हैं, बच्चे थोड़े से नखरे करते हैं, कैसा कोफ्ता नहीं खाना फिश का, ये वो, तो ये ज़रा अच्छा लगता है। जब ये मसाला भुन जाएगा तो मैंने आलू काट के रखे हैं, 2 छोटे आलू उसमें क्यूब्स मैंने कर लिए उसके, वो मैं इसमें डाल दूँगी, और फिर बाद में मैं इसमें दही डालूँगी। अगर दही मैं पहले डाल दूँगी तो फिर हमारे आलू गलेंगे नहीं, ठीक है। ये देखें, मसाला हमारा हो गया तैयार, ये देखें जगह छोड़ रहा है ना, मैं इसमें आलू डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने ये 2 छोटे से मतलब आलू ले लिए, तो उनके छोटे छोटे सूखे उसमें मैंने काट लिए, वो मैं डाल दूँगी पानी सने। बहुत अच्छे लगते हैं, जितना इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये आलू गल जाए, सही है ना, और उसमें ग्रेवी हो जाए थोड़ी, फिर हम उसमें दही डाल के भूनेंगे, भूनने के बाद फिर उसमें हम लोग थोड़ा सा वो करेंगे छोड़ा करके, फिर उसमें हम लोग कोफ्ते डालेंगे। तो आप देखिएगा, अभी बस ये हो गया, अब मैं इसमें पानी डाल के इसको कवर करके रखूँ, और 1 कप पानी से थोड़ा ज़्यादा, पर आलू गल जाए इतना पानी। अच्छा, ये देखिए हमारे आलू भी जो है गल चुके हैं, बिल्कुल सही तरीके से गल गए हैं, और ये हमारी ये मसाला भी पूरा रेडी है। अब मैं जो हूँ उसमें ये 1 कटोरी से 1 प्याली दही डाल रही हूँ, थोड़ी सी बड़ी है ये, आप एक चलिए दही आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, बस बहुत से लोग मछली का सब्जी खट्टा सा पसंद करते हैं, सही है ना, तो दही ज़्यादा डाल देते हैं। तो दही मैंने इसमें डाल दिया, इसको मिक्स करके मैं फिर इसको दोबारा ढक दूँगी, कवर कर दूँगी। ऑलमोस्ट ये हमारा तकरीबन समझिए कि रेडी ही है, ये दही हो जाएगा, थोड़ा सा भून के मैं इसमें वो कर लूँगी, थोड़ा सा छोरा कर लूँगी, सही है। चलिए मैं इसको फिर कवर कर रही हूँ ताकि दही इसमें पक जाएगा। चलिए, ये देखिए हमारा वाला देखिए सालन ये तैयार है, दही इसका पक गया है। अब मैं इसमें जो है ग्रेवी कर रही हूँ, कितनी
ये आपकी मर्ज़ी पे है, आपको बहुत हल्की रखनी है, पतली रखनी है, थोड़ी सी गाढ़ी, मैं थोड़ी सी गाढ़ी रखूँगी, सही है ना। ये देखें इस तरह शोरबा करना है, मैं थोड़ा सा इसमें इतना इतना रखेंगे बस, ऐसा इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। इसमें मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दूँगी, थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल देंगे, कवर कर देंगे ताकि ये थोड़ी पक जाए, तो फिर मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँगी। चलिए देखिए हमारी ये जो है ग्रेवी भी तैयार हो गई है, पक गई है, और जो मैंने ये कोफ्ते फ्राई किए थे मैं एक एक करके इसमें रख दूँगी। कोफ्ते तो हमारे पहले से ही पके हुए हैं, सही है ना, थोड़ा सा बस इसमें मसाले में हम डाल देंगे तो उसका मसाले का इसमें टेस्ट आ जाएगा सारा, तो सब पक गए हैं। कोफ्तों में कभी भी जो है ना हम लोग चमचा नहीं चलाते, चाहे कीमे के हों, चाहे फिश के हों या चिकन के, हमेशा उठाइए और उसको एकदम यूँ कीजिए, ये इसमें डूब जाएंगे सारे, सही है ना, ये डूब गए। कभी भी कोफ्तों में चमचे नहीं चलाएंगे हम, अब थोड़ा सा 5 मिनट के लिए उसको ढकेंगे, थोड़ा पकेंगे, उसके बाद हमारे कोफ्ते तैयार हैं, फिर मैं आपको इसको निकाल के दिखाते हैं। चलिए देखिए हमारी फ़िश करी बिल्कुल रेडी हो गई है, सही है, और अब मैं थोड़ा सा इसमें ये धनिया डाल दूँ, हरी मिर्च, धनिया वगैरह, सही है, आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। ये उसी का दूसरा पार्ट है जो मैंने बनाया था, फिश कोफ्ते और फिश कबाब, सही है ना, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, ज़रूर आपको अच्छी लगेगी ये। आप गरम चपाती, गरम नान और सबसे ज़्यादा बॉयल्ड राइस के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि तो फिश सालन ही कितना है, उसमें हमने कोफ्ते बना लिए हैं। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और जो भी आपकी फरमाइश हो, जो आपको अच्छे लगे मुझे ज़रूर आप बताएं, मैं वो पूरी करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।